आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। एचआरएस की तरफ से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, ये उनकी मांग थी कि यहाँ पर भी अस्थि विसर्जन के लिए और जो फाइनल रिचुअल्स जो हिंदूज में होता है कि जो भी हमारे परिजन हैं जो गुजर चुके हैं उनको मुक्ति मोक्ष के लिए जो हम गया करवाते हैं या जो भी तीर्थ स्थल में जाकर के उनका अस्थि विसर्जन करते हैं, वैसा ही कुछ अंडमान में हो। हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई हो। आज से लगभग तीन साल पहले एक चीफ सेक्रेटरी से हम लोग मिले थे एक मीटिंग के बाद में, जो हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से मीटिंग हुआ था। उसमें फैसला हुआ था कि हमारे अंडमान निकोबार में जो है एक अस्थि विसर्जन घाट होना है, तो गंगा स्थल का नाम से जो जाना जाता है वो सैंक्शन दिया है। और ये बहुत ही खुशी का खबर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए, जो कि 2024 में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और हैंडओवर भी करेंगे। और इतना अच्छा जो यहाँ पर पर्यटन स्थल होगा, जो बाहर से भी लोग देखने आएंगे, और हमारे अंडमान के लोगों के लिए भी ये बहुत ही खुशी का खबर होगा कि पिंडदान करने के लिए अभी और बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में ही ये कार्बन स्कोप में जो जगह दिया है इसमें काम हो जाएंगे और इसमें सब पे काम कर सकेंगे। ये बहुत ही खुशी का खबर है हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से, ये जो हाथ में काम लिया गया था वो कंप्लीट होंगे। हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे मैडम मिनती मैडम जी ने कहा है आपसे कि हम लगभग 2.5-3 साल पहले जो है सीएस सर से मिले थे, और सबसे अच्छी बात वो मीटिंग का यही था कि तुरंत जो है ये कार्रवाई हुआ। इनफैक्ट हमारे ही सामने जो है पीबीएमसी सेक्रेटरी और हमारे तब के जो डीसी साहब थे उनसे बात किया, हमारे ही सामने बात किया, और इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही फास्ट ट्रैक में जो है ये काम हुआ है। और आज हमें ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये लगभग शुरू होने जा रही है और अगले 8 महीने में जो है इसका संपन्न होगा, ये काम पूर्ण होगा, ऐसे ही प्लानिंग में है। और हम चाहेंगे कि इस सिलसिले में जो भी लोग हमारे बात सुने और समझे और कार्रवाई किए उन सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक धर्म का आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान का हमारे सनातन धर्म में जब मृत्यु होता है तो उनका जो लास्ट रिचुअल रहता है वो हमारे लिए बहुत ही भव्य और सम्मानीय रहता है। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, इस चीज़ का हमें बहुत गर्व और खुशी है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ जितने भी सनातनी और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं या सोच रहे हैं उन सबको मेरे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। एचआरएस की टीम की ओर से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल पहले जो एचआरएस ने जो सपना देखा था अस्थि विसर्जन गंगा घाट के लिए, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मेरे सभी जो हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है हमारे प्रशासन की ओर से। और ये इस विषय में हम लोग एक्स डीसी साहब और एसीएस साहब से मिले थे, और उनका बहुत पॉजिटिव उनका ये एक्शन था, तो जिस वजह से ये बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी के तहत होने जा रहा है, तो ये जो आप पीछे जो देख रहे हैं जो जगह, ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। ओके, राजेश्वर जी बताएंगे, धन्यवाद। आप सभी को हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और नमस्कार, जय श्री राम। ये एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है हमारे सनातन धर्मों के लोगों के लिए कि ठीक हमारे जो पीछे आपको जो जगह दिखाई दे रही है व्यू, यहाँ पे गंगा स्थल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और जो कि हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में आएगी। ये प्रोजेक्ट को लाने के लिए हमारा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से 3 साल पहले से हमारे मिनोती मैडम जी, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जो कि युवा मोर्चा की अध्यक्ष, और हमारे एन वेंकट रमन्ना जी जो अभी फिलहाल उपस्थित नहीं है, वो उप अध्यक्ष, और राधिका जी जो कि महिला मोर्चा की महामंत्री है, ये सब जाके हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब से, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, और हमारे इस गंगा स्थल के प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताए, जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं है, और इसके चलते हमें जो अपने लोगों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए गाया या और कहीं बाहर जाना पड़ता था पिंडदान के लिए,
तो अभी ये खुशखबरी है कि ये अगले महीने अगस्त 1 तारीख से टेंडर फ्लोट हो चुकी है, टेंडर मिल भी गई है, 1 तारीख से काम शुरू होगी और इसका ड्यूरेशन ऑफ काम जो है कंप्लीट करने का वो 8 महीना की है, जो कि मार्च में ख़त्म होगी और मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त होने के बाद में हैंड ओवर हो जाएगी। इस स्थल पर जो जो काम जो जो चीज़ आएगी मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। पानी का फुहारा जो कि आपका जो हमारा जो बैक साइड जो बंकर है वहाँ से निकलती हुई आएगी और यहाँ पे एक शिव जी की एक मूर्ति होगी जिसके बालों से वो पानी का धारा निकलेगी जल, और जिस पे लोग जाकर अपना जो भी है अंतिम अस्थि विसर्जन करेंगे, पूजा का लिए स्थान होगा और इसमें एक छोटा सा मंदिर होगा, सम्मेलन कक्ष होगी और हवा कुंड, इसके चलते समुद्र की ओर मुख्य वाली सीढ़ी जो होगी जिसमें जाके लोग जल अपना अस्थि विसर्जन करेंगे। इसके चलते जो है यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी गाड़ी की, और इस पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में सामने दो दुकान भी आएगी जिसपे आपका जो भी अंतिम क्रियाक्रम के लिए जो भी सामग्री लगती है वो उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है हमारे SC PBMC श्री अविनाश कुमार जी के देखरेख में हो रहा है और पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है ये हमारे DC विदिता रेड्डी जी इसको देखेगी, और इसके चलते मैं हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्य सचिव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ केशव जी को, और जितने भी लोग इस कार्य के लिए सामने आए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस विषय में मैं एक बात आप सभी से कहूँगा कि कुछ दिनों पहले मैंने मीडिया में भी देखा था इस विषय को लेकर कई लोग सामने आ रहे थे और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि देखिए ये एक बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य हो रहा है और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि देखिए आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना कोई भी तरीक़े से इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और क्रेडिट लाने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे हम सब के लिए भलाई होगी। तो मैं अंत में जो है हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ और हमारे सनातन धर्म के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि 2024 अप्रैल से हमारा गंगा स्थल कार्य करना शुरू कर देगा और जो कि एक टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण के केंद्र रहेगा, और ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ कार्य होने जा रहा है और ये हमारे HRS की तरफ से बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मैं अपने जितने भी संगठन के लोग हैं और हमारे सपोर्टर हैं सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूं। तो नए साल के लिए ये हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि यहां पर इस तरह का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इतना बड़ा एक गंगा घाट बनने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।